करप्शन फ्री माहौल देवांगे, कोई सिंगल विंडो सिस्टम होगा। जैसे भगवंत मान की सरकार पंजाब की इंडस्ट्री को ग्रो करने में लगी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि लोगों का फ्यूचर इंडस्ट्री में काफी अच्छा रहेगा। पंजाब सरकार काफी कम कर रही है, भगवंत मान जी काफी कम कर रहे हैं, ते हुण जिहड़ी उन्हां दी टीम भी काफी अच्छी टीम है, यंग टीम है। मेरा एक ही लालच है बस, मेरे पंजाब के नौजवान बेटे बेटियों को काम दे दीजिए। देखो भगवंत मान जी की सरकार जो रोजगार देने के लिए लगी हुई है, उससे अगर घर की इनकम बढ़ती है तो नेचुरली है कि स्टेट की तरक्की होगी। पंजाब सरकार दे आउण नाल हुण इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो यूथ भी जाग रहे हैं। पंजाबी में कहावत है, बेला मन शैतानी दा कर। जो नौजवान काम भी कर रहे हैं और ड्रग भी ले रहे हैं, ये हो नहीं सकता। काम मिल जाएगा, ड्रग नहीं लेगा। जो तो रोजगार मिलेगा तो बेशक सारे बंदे काम ते होणगे, बेशक करने की लोड़ ही नहीं है। करे अपना हसो खेडो, मौजा बनाओ। बिजली की प्रॉब्लम थी या बिजली महंगी थी, इदा दियाँ काफ़ी दिक्कत सगिया। प्रोसैस भी थोड़ा सरल कर रहे हैं ता कि होर इंडस्ट्री भी आ गए। भगवंत मान साहब जिदा कह रहे हैं उदा ही रंगला पंजाब बनेगा, जरूर बनेगा। मेरी डिसीजन मेकिंग टीम जहाँ बैठी है, हमने आज ही फैसला बदल दिया। आधे घंटे में हिंदुस्तान लीवर आया, कहते हैं किसान कैचअप जो है नाभा में बनाते हैं लेकिन टमाटर नासिक से जाता है। मैंने कहा जी बताइए आप, आपको 10 किलोमीटर के रेडियस में सारा टमाटर मिल जाएगा। कोटक आई, वो कह रही ये क्या है कि गवर्नमेंट बिजनेस के लिए 100 ब्रांच होनी चाहिए आपकी, ये क्राइटेरिया है। अब हमारी 90 है सर, हमने एक काम ही सीधा कर दिया, अभी आने वाले दिनों में कर देंगे। एंड पंजाब विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू दैट। मैं अपने पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना चाहता हूं। मुझे कैलिफोर्निया नहीं बनाना उसको, मुझे लंदन पेरिस नहीं बनाना, मुझे तो पंजाब ही दे दो मेरा तो बस।